और चंदू भाई लिफाफों का इंतजार कर रहे हैं कि कब लिफाफे मिलेंगे। इतने तो ये हैं, बाकी चाचा ने बैग में संभाला है, कुछ नीचे रखे हैं, तो बहुत बहुत पैसे और हैं आजकल। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों, की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम मेरे गांव किरजाणी से। तो आज मेरे गांव किरजाणी में है, यानी कि मेन गांव में है छाका। तो अभी यहां पर सारी तैयारियां हो चुकी है, सब्जी रखी हुई है, दाल बन चुकी है, पांडव देता अभी यहां पर जितने भी परिवार हैं, जितने भी घर हैं, उनके यहां पर मोजाज कर रहे हैं। तो हम भी साथ में चलते हैं और यहां पर जितने भी लोग हैं, यहां पर पनीर काटी जा रही है शाम के लिए, और शाम को जब पांडव देता सब जगह घूम जाएंगे इस गाँव में, जितना ये गाँव है ना मेन गाँव, यहाँ से ये वाला और जितने घर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर पूजा वगैरह होगी और फिर यहाँ पर होगा भोज। तो पांडव पशुओं के साथ हम भी पूरा गांव घूम रहे हैं, और जैसे मैं बता रहा था कि सबके लिए माला रहती है, जो भी मतलब कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे गले में भी एक एक दो दो माला पड़ रही है। अब एक जगह पर चाय पानी की व्यवस्था है, तो सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। हम लोग वहां पर जा रहे हैं जहां पर चाय पानी है। बिल्कुल। तो अभी आ रखा हूँ मैं भूपी के घर पे, भूपी मेरा दोस्त है और बहुत टाइम बाद आया है घर, तो इसके घर पे चाय पानी की व्यवस्था है, तो इसीलिए यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। और ये घर है बुआ जी का, बुआ जी हैं भूपी की माता जी, बोले तो मोनिका की मम्मी। तो यहाँ पर देखिए चाय और स्नैक्स तैयार हैं, और मोनिका इधर खड़ी है। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया है। तो अभी पांडव परसवा यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह चाय पानी की व्यवस्था है, तो यहाँ पर एक ब्रेक होगा। तो अभी हम थे भूपी के घर पे और यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था थी, तो चाय पानी की व्यवस्था हो गई है, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद चाय पानी पिलाने के लिए और बहुत सारे किशमिश खिलाने के लिए जो कि हमने अंदर से निकाले। तो पूरा गांव घूमना है अभी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम आए हैं उस घर पे जहाँ पर कुछ दिन पहले शादी थी, तो यहीं पर सभी पांडव पशुआ आए थे और अब वापस जा रहे हैं दूसरे घर में। और ऐसा कुछ दिखता है मेरा गांव यहाँ ऊपर से, ये पूरा गांव है और बीच का खोला, यानी कि मेन किरजाणी, और मेरा घर है यहाँ पर। तो आज इस पूरे गांव में भ्रमण होगा, तो स्वागत के लिए गाँव में कहीं पर माला लग रही है, तो कहीं पर लिफाफे दिए जा रहे हैं, और चंदू भाई लिफाफों का इंतजार कर रहे हैं कि कब लिफाफे मिलेंगे। कुछ नहीं है। तो क्या है कि जो भी कार्यकर्ता लोग हमारे साथ नहीं आए होंगे, कहीं और बिजी होंगे, तो उनके लिए लिफाफे उन तक पहुंच जाएंगे। तो आज क्या हो रहा है कि लिफाफे ही लिफाफे हो रहे हैं, इधर दिखाना जरा, ये देखो इतने तो ये हैं, बाकी चाचा ने बैग में संभाले हैं, कुछ नीचे रखे हैं, तो बहुत बहुत पैसे और हैं आजकल। अब तो ये कटेगा नहीं, इतने बैग में हो। तो ये कह रहे थे कि अगर किसी का लिफाफा नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगा। किसी का लेना, किसी का छोड़ना, हाँ किसी का छोड़ना क्यों है। तो देखो चंदू भाई फिर से लिफाफों की ढूंढ में निकल पड़े हैं। आज बहुत सारे लिफाफे हो गए चंदू भाई के पास, जैसे हम शादी में जाते हैं ना तो लिफाफे मिलने की खुशी अलग ही होती है, तो वैसे चंदू भाई को आज लिफाफे मिलने की खुशी हो रही है। मेरे नोटों पे ध्यान मत दो, ठीक है, अपने नोटों को संभालो। तो अभी हम आए हैं ताई जी के घर पे, ताई जी तो बहुत बिजी हैं, सीधे अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पर ताऊ जी सबको लिफाफे बांट रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी इसकी खुशी अलग ही है ना। अलग है। हाँ तो देखो चंदू भाई के एक्सप्रेशन है। देखो यार, ये देखो लिफाफे मिलने की खुशी है। चंदू भाई मजा आ रहा नया तेल ले। जे तो नहीं मिलते नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, मतलब सब तो मिल वाले। चलो ठीक, तब तो ये प्यार प्रेम चलता रहता है। तो आज चंदू भाई बहुत खुश हैं, अभी तो आधा गांव बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई कह रहे हैं कि चाचा जी ने लिफाफों से दूसरी गाड़ी बुक कर दी है, सच में? नहीं यार ऐसा नहीं है। ये अफवाह कौन फैला रहा है? पहले ऑल्टो थी और अब रेजा बुक कर दी। तो आज बहुत सारी हंसी मजाक हो रही है, गांव भी घूम रहे हैं और साथ में मस्ती मजाक भी हो रही है, लिफाफे भी इकट्ठे हो रहे हैं, पैसा ही पैसा, अंधाधुंध पैसा है चंदू भाई, अंधाधुंध पैसा। चंदू भाई के पास तो बहुत पैसा है, चंदू भाई तो बहुत दिनों से घूम रहे हैं।
तो क्या है कि हमको ना इधर से दूर माला देखे तो सब खुश हो गए, मतलब ऐसे मजाक कर रहे हैं कि हाँ वहाँ भी माला है। भाई साहब आज इतने ज्यादा लिफाफे हो गए कि मेरे बैग में डालने पड़ रहे हैं, और एक गड्डी तो मेरे बैग में है, और जिनकी जो लोग नहीं आए हैं उनकी माला भी उन तक पहुंच जाएगी सारी। अच्छा ये मेरे लिए है, ये आपके लिए। तो आज इतने सारे लिफाफे हैं मेरे पास, मतलब अंधाधुंध पैसा है। तो ये सम्मान है जो गांव के लोग पांडव देवताओं को देते हैं, साथ में कार्यकर्ताओं को भी देते हैं, वो सब मैं हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ। क्या बात है चंद भाई, ये सारी हैं अपने लिए रख दी। यू आर वेरी चालाक ब्रो। तो आज जो बाणों का बुखार लगेगा यहाँ पूजा जहाँ पर होगी तो वो ये घर है, और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। तो यहाँ पर रखे जाएंगे बाण और उनकी पूजा की जाएगी। अबे देखो मेरे गांव की सारी महिलाएं और लड़कियां आ गई हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि लड़कियों से बेहतर रोटी कोई नहीं बना सकता, और जो लड़के हैं वो बाकी काम कर रहे हैं। तो मैं यहां पे आया हूं नाश्ते के लिए, क्योंकि ये पंचायती छाका है तो इसमें पंचायत की तरफ से नाश्ता जाएगा। तो देखो कितना कितने सारे लोग हैं यहाँ पे रोटी बनाने पर लगे हुए। हाँ यहाँ पर गौरी है, उधर रितु है, और इधर मोनिका है, उधर सब ताई चाची लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर बाण रखे गए हैं, और दूसरे चौक में सभी पांडव पशुआ खाना खा रहे हैं, तो हम लोग अभी तक खाना ही बांट रहे थे। तो ये कुछ यहाँ पर लेके आ गए हैं, और मैं अब तक पूरी बांट रहा था। अभी यहाँ पर खाना बन रहा था और यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो अभी तक हम भी बांट रहे थे। तो अब मैं अपना जैकेट लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, तो जैकेट टोपी पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आधे रास्ते तक मेरी माँ लेके आ रही है, फिर मैं जाऊँगा, और वो अपने लिए खाना घर ले गए हैं, यानी कि परोसा बोलते हैं होम डिलीवरी। अगर घर के लिए पैक करना तो उसको परोसा बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। तो मैं अपनी माँ से अपना जैकेट ले चुका हूँ और दवाई भी ले चुका हूँ। तो चलिए अब चलते हैं गाँव में, और अभी क्या कि सभी लोगों को खिलाना है, फिर बर्तन भी धोने हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो फिर वैसे करनी है जैसे सुबह थी, क्योंकि थोड़ी देर में लोग कौथिक देखने के लिए आएंगे, और तब तक सब कुछ साफ होना चाहिए। तो ये गांव का लास्ट छाका था, इसके बाद एक छाका है वो पर्सनल है, मतलब गांव में किसी का है। तो पहले पांडव पशु पूरे गांव में घूमते हैं, और फिर बीच के गांव में जहां पर पांडव नृत्य हो रहा है वहां पर आते हैं छाके के लिए। तो शाम के 6:15 बज रहे हैं, और हम अब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोगों ने खा दिया है। पांडव देवताओं की जो पूजा होती है वो भी सम्पन्न हो चुकी है। अब सभी लोग बैठे हैं जो अब तक बांट रहे थे, जो लास्ट में खाते हैं, यहाँ पर अब खाना खा रहे हैं।